नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेठी की, क्योंकि आज अमेठी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई और अमेठी इसीलिए जो है ट्रेंड पे रहा क्योंकि अमेठी से सांसद है कांग्रेस का मालिक राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को पता लग गया था, जो कि जग जाहिर है, कि अमेठी सीट जाने वाली है, राहुल गांधी हारने वाले हैं और स्मृति ईरानी आने वाली है। इसीलिए राहुल गांधी केरल बयानट भाग गया और बयानट से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने लगा, क्योंकि जो है बयानट से वह जीत कर अपने आप को सांसद बनाकर वो कांग्रेस का मालिक बना रह पाएगा। लेकिन अमेठी जीतने के लिए कांग्रेस ने जीत तोड़ मेहनत कर दी, जीत तोड़ अपनी जान लगा दी और इसके लिए जो है वोटर्स के साथ खिलवाड़ किया गया। वोटर्स को जानबूझ के उन्हें के साथ जबरदस्ती करके पंजे पर वोट पड़वाए गए। इसकी पुष्टि की एक जो है पोस्ट ने, जो कि पोस्ट डाली विवेक माहेश्वरी, जो कि खुद अमेठी से हैं। उन्होंने यह वीडियो भेजा और विवेक माहेश्वरी ने बताया कि एक बूढ़ी अम्मा बता रही थी कि उनसे जबरदस्ती पंजे पर वोट पड़वाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सुन लीजिए बूढ़ी अम्मा की जुबानी। सब वही पंजा पे ऐसे हाथ पकड़ के हमारे ऐसे बटन दबवा दे जबरदस्ती। हाँ, हाथ पकड़ के इसे बटन कहा था, अपने आप पंजा पे धाय दे। हम धरे जाते रहे पर कमल पर। हाँ। तो वो पंजा पे धाय। अच्छा अच्छा, तो मना करे माने नहीं नहीं नहीं, तो जबरदस्ती बताओ तो इसे पकड़ के हाथ बटन अपने हाथ दबा दे, अंगूठा मार दे। तो जैसा कि आपने दोस्तों बूढ़ी अम्मा को कहते हुए सुना, बूढ़ी अम्मा बता रही थी कि किस तरीके से जबरदस्ती उनसे जो है पंजे पर वोट पड़वा लिया गया। वह तो भाजपा को वोट देने आई थी, कमल पे बटन दबाने आई थी, लेकिन उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ के पंजे पे डलवा दिया गया और उनका वोट लूट लिया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। तो अगर इसे कांग्रेस की जो है वोट लूट और वोट घोटाला कहा जाए तो वह गलत नहीं होगा। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके से जबरदस्ती वोट पड़वा के, हाथ पकड़ के पंजे पे वोट डलवा के राहुल गांधी को सांसद बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवाज उठाएंगे, जो कि इस काबिल नहीं है, जो कि बूढ़ी अम्माओं से जबरदस्ती करवा के वोट पाते हैं? इस तरीके से हो सकता है ये अब तक वहां से सांसद बनते आए हों? हमें नहीं पता, लेकिन अब जो है पैसा समझ में आ रहा है कि यही सच्चाई है। आपका इस विषय में क्या कहना है और क्या और आप क्या सोचते हैं, और आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, और अमेठी के भविष्य और पास्ट के बारे में आपका क्या सोचना है, वो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं और स्पष्ट तरीके से वीडियो बना सकूं। मुझे हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा। इसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल नितिन अपलोडर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।